सुशांत सिंह राजपूत केस में सीएम उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में। मुंबई के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। एक ओर जहां सुशांत के फैंस महाराष्ट्र सरकार की ओर और मुंबई पुलिस पर सवालिया निशाना लगा रही है, तो वहीं राजनीतिक दल और उसके नेता शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की मांग कर रही है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन फिर भी अब तक कुछ नहीं निकल पाया है। इन सब के बीच वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस अक्षम नहीं है, यदि किसी के पास कोई भी सबूत है तो वो हमारे पास ला सकते हैं और हम आरोपियों से पूछताछ करेंगे और दोषी पाए जाने पर सजा देंगे। इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। सीएम ने कहा है कि इस मामले में राजनीतिक करना सबसे गलत काम है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी मामले की जाँच पड़ताल पूरी तरीके से की जाएगी। ठाकरे ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को यह कहते हुए आलोचना की। उन्होंने 5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने के बावजूद मुंबई पुलिस की क्षमता पर संदेह किया। सीएम ने कहा कि राज्य पुलिस और मुंबई पुलिस कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं, वे कोरोना योद्धा हैं और उन पर भरोसा नहीं करना उनका अपमान है। मैं सभी सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों को बताना चाहूँगा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए और जो भी जानकारी आपके पास है वो हमें लाकर पहुँचाए और हमें बताएं, हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वहीं इस बारे में बताते हैं कि मुंबई पुलिस द्वारा इस हाई प्रोफाइल मामले में की जा रही मुंबई पुलिस की जाँच पर भरोसा करना चाहिए। और आप भी बताइए कि आपका क्या कहना है मुंबई पुलिस की जांच को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में, और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।